नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में रोमानिया के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसी है इसमें लाइक जो रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग टाइम भी इसमें काफ़ी कम रहेगा, 2 से 3 महीने के अंदर प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की वैकेंसीज काफ़ी हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्लीनर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता है क्लीनर में। क्लीनर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सैलरी होगी $450। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे केवल, सैलरी होगी $500। वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता, वेल्डर में 20 लोगों की आवश्यकता है, मेल कैंडिडेट की आवश्यकता है, सैलरी होगी $500। इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता, इलेक्ट्रीशियन में 10 लोगों की आवश्यकता है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सैलरी होगी $500। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता, प्लम्बर में 10 लोगों की आवश्यकता, सैलरी होगी $500। जेसीबी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता, जेसीबी ऑपरेटर में 10 लोगों की आवश्यकता है, मेल कैंडिडेट की आवश्यकता, सैलरी होगी $550। इसमें जू टेक्निक के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट है, एनिमल फार्म में जू टेक्निक एनिमल फार्म में वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जो अनस्किल लेबर होते हैं, नॉन क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता, सैलरी मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी $450। एग्रीकल्चर फार्म में रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर फार्म के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट है, नॉन स्किल्ड वर्कर नॉन क्वालिफाइड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोग की आवश्यकता है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी होगी $450। अनस्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन, अनस्किल्ड वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन लिए रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी इसमें 50 लोगों की आवश्यकता है, केवल मेल कैंडिडेट की आवश्यकता है, सैलरी होगी इसमें $450। ब्रिक लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, टाइल्स ड्राई वॉल ब्रिक लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, 50 लोगों की आवश्यकता है, मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी $500। अनस्किल्ड जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है, 100 लोगों की आवश्यकता है, मेल फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी $450। टेलर की रिक्वायरमेंट है, 100 लोगों की आवश्यकता है, टेलर में 100 लोगों की आवश्यकता है, मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता, सैलरी होगी $450। कार क्लीनर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता है, कार क्लीनर में 20 लोगों की आवश्यकता है, मेल कैंडिडेट की आवश्यकता, सैलरी होगी $450। स्विंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सिलाई मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की आवश्यकता है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी होगी $500। सो दोस्तों ये जो 14 टाइप की प्रोफाइल है, 14 टाइप की प्रोफाइल्स हैं, प्रकार के प्रोफाइल्स हैं, इन प्रोफाइल्स में सैलरी वगैरह मैंने मेंशन किया हुआ है, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगा 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में, 20 साल से 35 साल के बीच में होगी उनको हम प्रेफरेंस कंपनी की तरफ से प्रेफरेंस मिलती है। वैसे प्रोसेसिंग के लिए 20 to 40 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो लोग होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी की तरफ से प्रेफरेंस मिलेगी वो 23 साल से लेकर 35 साल के बीच के कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जो गल्फ रिटर्न होंगे या ओवरसीज में कहीं दूसरी जगह एक्सपीरियंस किया होगा उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, उनका सिलेक्शन फास्ट हो जाएगा। दोस्तों 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सैलरी जो हमने बताई वो रहेगी, सैलरी ये बेसिक सैलरी होगी 9 आवर्स के लिए, और उसके अलावा OT रहेगा वो अलग से रहेगा कंपनी की तरफ से। इसमें फूड नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, और फूड कंडीशनल भी है, कुछ कंपनी फूड प्रोवाइड भी कर सकती हैं, सो दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, लेकिन जो सैलरी है, सैलरी और इसके अलावा जो फैसिलिटीज है वो कंपनी की तरफ से सबको मिलने वाली है, जो कंपनी की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से, और ट्रांसपोर्ट मेडिकल एज पर कंपनी पॉलिसी मिलने वाला है। प्रोसेसिंग टाइम होगा वो 2 से 3 महीने के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो जो कैटेगरी का एक्सपीरियंस होगा, अगर इंडियन एक्सपीरियंस होगा तो भी कंसिडर किया जा सकता है, और अगर बाहर का एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सो दोस्तों जो लोग भी क्राइटेरिया में आते हैं 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, मेल फीमेल एज पर द प्रोफाइल हो और उनको एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया उसके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन है, तो डेफिनेटली वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वो 13 मार्च होगा, 13 मार्च तक वो अप्लाई करेंगे तो उनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। और इसमें जो प्रोसेसिंग रहेगा, प्रोसेसिंग में जैसे आप प्रोसेस करेंगे ऑफलाइन के बाद में छोटा अमाउंट रहेगा, बाकी वीज़ा के बाद में पूरा पेमेंट रहेगा। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यूरोप में अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है और वहाँ पर जो जो भी कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसके बाद में उसको आगे का एक्सेस मिलता है, डेफिनेटली वहाँ से आपको यूरोप में सेट होने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। हालांकि रोमानिया शेंगन कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूरोप का पार्ट है, तो डेफिनेटली जो बंदा यूरोप में अपना करियर बनाना चाहता है तो रोमानिया उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम कर सकता है। सो डेफिनेटली जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट लेके आना है, रिज्यूम लेके आना है, फोटो लेके आना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लेके आना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेके आना है और हमारे ऑफिस में आना है। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
अगर आपको सर्विस चार्ज के बारे में प्रोसेस के बारे में पता करना है तो जो नंबर्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन नंबर पर ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे 11 बजे लेकर शाम के 6 बजे के बीच में सोमवार से शनिवार के बीच में तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो में शेयर की है, सिर्फ प्रोसेस फीस के बारे में आपको पता करना होगा तो उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे कलीग से एचआर से पूछने की बात करते हैं। सो दोस्तों हमारे पास इंक्वायरीज बहुत होती हैं, सो सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो आपका और हमारा टाइम दोनों का टाइम बचेगा और दोनों की एक अच्छी हेल्प हो सकती है। अगर आप रियली सिंसियर हैं तो आपको गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फाइल पुट होगा वो आप हमारे ऑफिस में विजिट करेंगे, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस किया जाएगा तो आपको ऑफिस आना कंपलसरी है और हर एक प्रोसेस के लिए एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन करना भी कंपलसरी है। सो दोस्तों अगर आपको वैकेंसी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।